दिस इज रितेश एंड आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड में कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग ऑनलाइन कैसे बना पाएंगे। आप झारखंड में जितने भी काम ऑफलाइन कर सकते हैं वो सभी काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बस उनका प्रोसेस आपको जानना चाहिए। तो आज यही प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड में हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग झारखंड में कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च बॉक्स पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, तो झार सेवा, झार सेवा आप लोगों को सर्च कर देना है। और सर्च जैसे ही आप लोग कर लेंगे आपके पास एक विंडो सामने आएगा, उस विंडो में आपको झारखंड गवर्नमेंट का झार सेवा का वेबसाइट मिल जाएगा। पहले ही लिंक में आपको ये मिल जाएगा, तो आप लोग सबसे पहले उस लिंक को क्लिक कर लेंगे और लिंक को ओपन कर लेंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया विंडो आएगा जिसमें झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। तो वेबसाइट जो है वो झार सेवा का ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको सामने ही राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में आपको एक टैब मिलेगा जो रजिस्टर योर सेल्फ का टैब होगा, उसमें आप लोग क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए ऑप्शंस आ मिल जाएंगे। ऑप्शंस में आपको सबसे पहले आपका नाम फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना पड़ेगा, देन आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जो हमारा झारखंड होगा, और झारखंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिया जाएगा। कैप्चा को आप लोग फिल करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। देखिए, आप लोग पासवर्ड जो भी दें पासवर्ड को याद रखें, क्योंकि लॉग इन करने के समय वो पासवर्ड आपको काम आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं और उसके बाद लॉग इन करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, अब हम लोग लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के लिए आपको रजिस्टर के साइड में आपको एक टैब मिलेगा जो लॉग इन का होगा, वहां पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे वहां पर आपको ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जीमेल देंगे, जो जीमेल आप लोगों ने डाला है रजिस्टर करने के समय वो जीमेल देंगे, और आपने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया है वो पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ से फिर से कैप्चा को फिल करना है। जैसे ही आप लोग कैप्चा को फिल कर लेंगे आपको लॉग इन के बटन पर क्लिक करना है। लॉग इन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो सामने आएगा जो आपका लॉग इन हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग लॉग इन करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग लॉग इन कर लेंगे आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेंगे, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक करना है। आप लोग जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, वो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। चलिए आप इसको क्लिक करेंगे, देन आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इंटरफेस फिर से सामने आएगा। जैसे ही नया इंटरफेस सामने आएगा, अब देखिए झारखंड से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन काम किए जा सकते हैं वही सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी बिना पेपर के। यानी आप लोगों को पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए जमीन के पेपर, यानी जिसे हम लोग खतियान कहते हैं, वो चाहिए होता है। लेकिन आज हम लोग बिना खतियान के, बिना जमीन के पेपर के कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र को बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में एक सर्च बॉक्स मिलेगा, वहां पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, तो आप वहां पे टाइप करेंगे CAST। जैसे ही आप CAST सर्च करेंगे आपके पास कास्ट से रिलेटेड जितने भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए, ये सभी ऑप्शन आपको कास्ट से रिलेटेड है, यानी कास्ट बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये सभी ऑप्शन है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को बिना पेपर के, यानी बिना खतियान के, बिना जमीन के पेपर के कास्ट सर्टिफिकेट को बनाना है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है और हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी ये वाला ऑप्शन, पहला वाला इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ये किस लिए काम आता है, तो इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ये इसलिए काम आता है अगर आप BC या SDO लेवल से बनाना चाहते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, उसके लिए आपको जमीन के पेपर होने चाहिए। जमीन का पेपर आपके लिए मैंडेटरी होगा, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC, यानी अगर आप OBC सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सेकेंड ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST, SDO एंड DC, मतलब अगर आप लोग SC हैं या ST हैं तो आप लोग SDO और DC से बनाना चाहते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को यानी जाति प्रमाण पत्र को, तो आप वो थर्ड ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसी तरह का है ये फिफ्थ ऑप्शन, ये SC के लिए है, और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, ST के लिए। उसी तरह से है हमारा फोर्थ ऑप्शन, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC
वेर लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, यानी लोकल ब्लॉक लेवल से आप बनाना चाहते हैं और एससी है तो आप यहाँ से फोर्थ ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, तो हम लोग हमारे पास सिक्स ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है ये, तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी वन एंड बीसी टू वेयर लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोगों को ओबीसी का मतलब मान लेते हैं कि हम लोग ओबीसी कैटेगरी कमाते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग 6 नंबर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक किया हमारे पास एक नया इंटरफेस आ गया है। अब ये इंटरफेस में हमें क्या क्या भरना है तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है रीजन फॉर अप्लाई। अब रीजन पे अप्लाई पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन हमारा प्लीज सिलेक्ट का होगा जिसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है। बाकी 3 ऑप्शन लैंडलेस है, नो लैंड रिकॉर्ड है और इन केस ऑफ डाउट, ये 3 ऑप्शन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन किस लिए है। अगर आपके पास कोई भूमि नहीं है यानी आपके पास जमीन नहीं है, आप अपने किराए के घर में रहते हैं, तो वैसे केस में आपको लैंडलेस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास लैंड है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, लैंड तो है अपना घर तो है लेकिन उसके कोई पेपर आपके पास नहीं है, तो आप नो लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। और इन केस ऑफ डाउट में वो है कि लैंड है पर हमें जानकारी नहीं है या हमारे पास अभी नहीं है, तो उस केस में आप लोग इन केस ऑफ डाउट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नो लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, हम लोग को बिना पेपर के कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फुल नेम, यानी आपको यहाँ पे पूरा नाम टाइप करना है, आपका पूरा नाम जैसे जो भी होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं सलमान खान, तो आपको यहाँ पे पूरा सलमान खान टाइप करना है, ओके। देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना सेक्स चूज करना है, यानी आप मेल है या फीमेल है आपको यहाँ पे चूज करना होगा। देन आप यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका एक छोटा सा टैब खुल जाएगा जिसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ को ईयर मंथ और डेट को चूज कर सकते हैं। देन आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। देन आप अपने रिलीजन को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको चूज करना है आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, ईबीसी वन या बीसी टू। अगर आपको कैटेगरी का पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, ईबीसी वन, ईबीसी वन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे अपने जाति को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जाति यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको यहाँ पे अपनी जाति नहीं मिली देन आप यहाँ पे फिर से जाएंगे ऑप्शन पे और सेकेंड ऑप्शन यानी बीसी टू पे क्लिक करेंगे। बीसी टू पे क्लिक करने के बाद फिर से आप अपने कास्ट को खोजेंगे। यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे कास्ट मिल जाएगा दोनों में से, अगर आप ओबीसी में आते होंगे तो आपका दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपका कास्ट जरूर मिल जाएगा, या तो आपका कास्ट ईबीसी वन में मिलेगा या तो आपका कास्ट बीसी टू में मिलेगा। आप अपने कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप लोग कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपकी फादर की कास्ट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, यानी आप जिस कास्ट को सिलेक्ट करेंगे उसमें आप लोग के फादर की कास्ट फिल हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कोई भी एक कास्ट यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बनिया फिल किया है, तो देखिए फादर की कास्ट भी यहाँ पे बनिया ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। देन आपको क्या करना है, देन आपको अपना फादर का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपने मदर का भी नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको यहाँ पे अपना मैट्रिल स्टेटस चूज करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, जो भी होगा आपको यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करना होगा। परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस फिल करना होगा। देन आप अपना विलेज का नाम फिल करेंगे, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ मिलेगा। देन आप क्या करेंगे, अपना सब डिवीजन को फिल करेंगे। सब डिवीजन को फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपने सर्कल को फिल करेंगे। देन आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस को लिखना है। पोस्ट ऑफिस को टाइप करने के बाद आप यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन जो भी होगा वो भर सकते हैं, मोहल्ला भर सकते हैं, और पिन कोड जो है आपका एरिया का वो आप पिन कोड यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपका एरिया, आप जिस एरिया में रहते हैं वो कौन से एरिया में आता है, रूरल एरिया में आता है, म्यूनसिपैलिटी में आता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, नगर पंचायत में आता है, जिसमें भी आएगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आप क्या करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में आप प्रेजेंट एड्रेस, विलेज, टाउन, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे आपको देश भी सिलेक्ट करना है, अपना कंट्री जो होगा इंडिया वो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब फिल करना है। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिया जाएगा, उस कैप्चे को आप यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद देन आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अब देखिए हम लोगों ने सब कुछ फिल कर लिया है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर लिया है।
जैसे आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, यानी आप लोगों ने जो जो फिल किया है आपका वो सही है या नहीं है आपका यहाँ पे आ गया है। तो देखिए हम लोगों ने सब फिल कर लिया है और यहाँ पे हमारा आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ये रेफरेंस नंबर आपको बाद में मिल जाएगा, जिसके थ्रू अगर आपका ये नहीं बनता है या आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर आपको ये अगर नहीं बनता है तो आप अपने नजदीकी ब्लॉक में जा सकते हैं, और ब्लॉक में जाने के बाद आप वहां पे पता कर सकते हैं रेफरेंस नंबर के थ्रू कि आपका वो क्यों नहीं बना है, और अगर आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसका क्या कारण है, आप लोग वहां पे जाकर पता कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोगों ने फिल कर लिया है, फिल करने के बाद यहाँ पे अटैच के फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। अटैच के फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारा एक नया विंडो आएगा, नया इंटरफेस आएगा, जहां पे आप लोगों को चूज करने बोलेगा, अटैच करने बोलेगा आप लोगों के सर्टिफिकेट को। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एफिडेविट बाय नोटरी। अब एफिडेविट बाय नोटरी क्या है, तो चलिए ये जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे पेपर मिलेंगे आपको, यानी ये आप लोगों का फॉर्म है, इस तरीके के एक फॉर्म मिलेंगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए ये फिल आप ये आपको फिल करना है, अब कौन से पेज को फिल करना है, तो ये देखिए ये पीडीएफ है जो आपको 13 पेज का पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें आपको लास्ट पेज पे आना है, यानी 13वें नंबर पेज पे, इसमें 13 पेज है और आपको लास्ट पेज पे आना है। लास्ट पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यानी एक पेज मिलेगा जो होगा नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में, यानी नोटरी के द्वारा आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पेज को साइबर कैफे में जाएंगे और वहां पे प्रिंट कराएंगे। साइबर कैफे में जाके प्रिंट कराने के बाद आप इसमें जो भी कुछ मांगा है उसे आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपके एरिया में जो भी नोटरी बैठता है, अगर आप लोगों के ब्लॉक के सामने अगर कोई नोटरी बैठता है तो अच्छा बात है, और नहीं तो आप लोगों का जो भी नजदीकी कोर्ट होगा वहां पे आप लोगों को नोटरी मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप 20 से 25 रुपए में आप लोग इसे स्टैम्प और सिग्नेचर करा सकते हैं। तो आपको नोटरी के सामने इसे वेरीफाई करना होगा, नोटरी यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और स्टैम्प करेगा, देन आपको क्या करना है, इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद वहां पे आपको अटैच करना होगा। तो देखिए ये है 13 नंबर पेज, ये पीडीएफ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें डाउनलोड करना है तो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को एक नया विंडो लेना है और यहाँ पे झार सेवा सर्च करना है। झार सेवा सर्च जैसे आप लोग कर लेंगे आपके पास ये झार सेवा का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, देन आप यहाँ पे डाउनलोड डिक्लेरेशन यहाँ पे आ सकते हैं, और डाउनलोड डिक्लेरेशन पे आप लोग क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों जगह से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप उस पेज को 13वां नंबर पेज को आप लोग प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद आप लोगों को फिल करना है और उसके बाद आप लोगों को नोटरी के सामने वेरीफाई करना है। देन आप लोग वेरीफाई करने के बाद आप लोग उसे स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे अटैच करना है। देन आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया के सिटीजन है उसका प्रूफ चाहिए, उसमें आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आप उसे दे सकते हैं। मान लेते हैं वोटर कार्ड, आपको वोटर कार्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल करना है, चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने आप फाइल को अटैच कर लेंगे। आप लोगों को एक चीज यहाँ पे रखना है, तो देखिए आप एक चीज याद रखें, क्या, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है आप लोग जेपीजी में कर सकते हैं, जेपीईजी में कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं, लेकिन वो 5 MB से कम हो, यानी जो भी आप फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे वो 5 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या है, प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस, यानी आप जहाँ रहते हैं उसका एक प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए आप वोटर कार्ड को दे सकते हैं या फिर राशन कार्ड को दे सकते हैं। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग उसे भी दे सकते हैं, मतलब पासपोर्ट भी सकते हैं, इन सब में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप दे सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट होगा अगर आपके पास तो आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक कर सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, तो इन सभी चीजों को आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आप माइनर हैं तो आपको अलग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। अब देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आपको उसी पीडीएफ में, यानी ये जो पीडीएफ है आपको इसी में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है। अब देखिए ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अब आप लोग इसे भी निकाल कर प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और फिल करने के बाद आप लोग स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, यानी आप जहां पे रहते हैं उसका परमानेंट रेसिडेंट आप लोग दे सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, यानी अगर आप लोगों के पास आपके फादर या मदर का कोई वोटर कार्ड होगा आप लोग उसे भी दे सकते हैं, यानी अगर आपके पास जमीन का कोई भी पेपर होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट का पेपर होगा, जो अगर अगर आप लोगों के माता पिता कोई भी गवर्नमेंट इम्प्लॉय हैं तो आप लोग उसको दे सकते हैं। मतलब कुछ भी अपने फादर का हो अपने, या फिर आप लोग वहां पे रहते हैं उसके लिए आप लोगों को प्रूफ चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, और सबको ये फिल करने के बाद, यानी फाइल को अटैच करने के बाद, आप लोग यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग फाइल को अटैच करते हैं। तो हम लोगों ने ये सब फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर लेंगे, आप लोगों के पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक कर लिए, हम लोग का वो पूरा हो गया। पूरा होने के बाद हम लोग को वहां पे इस पीडीएफ, एक पीडीएफ मिल गया प्रिंट होने के लिए। या तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया और पीडीएफ को रख लिया। ये हमारा रेफरेंस आईडी है, यानी अगर हम लोगों का बाई चांस नहीं हुआ है तो हम लोग अपने ब्लॉक में जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्या रीजन हुआ है जो अभी तक नहीं बना है। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लिए। चलिए आज हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग बिना पेपर के झारखंड में कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे ऑनलाइन बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट में, और हम लोग जानेंगे बिना पेपर के या फिर हम लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट झारखंड में कैसे बना पाएंगे, यानी झारखंड में आवासीय प्रमाण पत्र को कैसे बना पाएंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें।